हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग रानी टेल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज द सॉल्टी टेस्ट इन इंडिविजुअल्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन के अंदर कोई इंडिविजुअल है तो वहां पर सॉल्टी टेस्ट जो आता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स इन स्वेट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड सोडियम क्लोराइड लेवल्स इन स्वेट, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी हाई प्रोटीन इनटेक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। सॉल्टी टेस्ट जो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन के अंदर वो होता है इंक्रीज्ड सोडियम क्लोराइड लेवल्स इन स्वेट। चलिए बढ़ते हैं रैशनल की। सिस्टिक फाइब्रोसिस अ डिफेक्ट इन सीएफटीआर जीन। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो हमारे डिजीज कंडीशन है उसके अंदर डिफेक्ट होता है हमारा सीएफटीआर जीन के अंदर, लीड्स टू द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयंस इन स्वेट ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि क्लोराइड आयन जो होते हैं स्वेट ग्लैंड से उसका रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हाई सोडियम क्लोराइड लेवल होता है वो स्वेट के अंदर देखने को मिलता है, और इसी हाई सोडियम क्लोराइड लेवल की वजह से सॉल्टी टेस्ट जो होता है वो भी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स माइट एकम्पनी स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स इन ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस के अंदर जो स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स होते हैं इसके साथ साथ कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो कि इसके साथ देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए सीवियर एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी वेजाइनल इचिंग एंड डिस्चार्ज, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी पेनफुल यूरिनेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेजाइनल इचिंग एंड डिस्चार्ज। हमने कल की क्लास में देखा था कि ट्राइकोमोनियसिस के अंदर हमें स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं वेजाइना में, इसी के साथ ही हमको देखने को मिलता है वेजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज। चलिए रैशनल की तरफ बढ़ते हैं। Along with strawberry spots, trichomoniasis often present the symptoms. Strawberry spots के साथ साथ हमें trichomoniasis के अंदर देखने को मिलता है vaginal itching, irritation, frothy और foul smelling discharge भी होता है। Next हमारा, what is a contraindication for the use of ACE inhibitors? ACE inhibitor के use के लिए कौन सा ऐसा चीज है जो कि contraindicated रहता है? Option A diabetes mellitus, option B pregnancy, option C heart failure, option D hyperlipidemia. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रेगनेंसी। एसीई इनहिबिटर्स जो होती है उसे हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर यह मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एसीई इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज दे कैन हार्म फिटल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली अफेक्टिंग रिनल फंक्शन। एसीई इनहिबिटर को अगर हम प्रेगनेंसी में देते हैं तो इसकी वजह से जो हमारा फिटल डेवलपमेंट है वो भी हार्मफुल रहता है उस बच्चे के लिए, और उसका जो रिनल फंक्शन है मेनली वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसीई इनहिबिटर इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ए ड्राई कफ। कौन सी ऐसी एसीई इनहिबिटर है? एसीई इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कौन सा ऐसा एसीई इनहिबिटर है जो कि कॉमनली एसोसिएट होता है ड्राई कफ के साथ में? ऑप्शन ए लिसिनोप्रिल, ऑप्शन बी लोसार्टन, ऑप्शन सी एम्लोडिपिन, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लिसिनोप्रिल जो है उसके अंदर हमें ड्राई को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं रैशनल की तरफ। ए परसिस्टेंट ड्राई कफ इज अ वेल नोन साइड इफेक्ट ऑफ एसीई इनहिबिटर। हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था एसीई इनहिबिटर के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमें ड्राई कफ जो होता है वो देखने को हमेशा मिलता ही है, ऐसा लिसिनोप्रिल जैसी मेडिसिन के साथ होता है। और यह ड्राई कफ इसलिए डेवलप होता है क्योंकि ब्रेडिकाइनिन जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ एसीई इनहिबिटर्स की तो उसके एग्जाम्पल में आता है सबसे फर्स्ट लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, रामिप्रिल, बेंजाप्रिल और फिनाप्रिल। आप यहाँ पर देख सकते होंगे हर के लास्ट में प्रिल प्रिल आ रहा है। अगर किसी मेडिसिन में प्रिल है तो आप इसे याद रख सकते हैं कि यह ऐसे इनहिबिटर का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन के एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है? ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी एप्लास्टिक एनीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया। चलिए बढ़ते हैं रैशनल की तरफ। एक्सेसिव एरिथ्रोपोइटिन की वजह से क्या होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जो होती है उसका रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा पॉलीसाइथेमिया का कंडीशन डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोइटिन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोइटिन यूज करने का कॉमन यूज क्या है? ऑप्शन ए ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। चलिए बढ़ते हैं रैशनल की तरफ। रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोइटिन इज यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रॉनिक किडनी डिजीज एज द किडनी प्रोड्यूस लेस नेचुरल ईपीओ इन दिस कंडीशन।
सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होती है उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी किडनी है वो इनफ अमाउंट में ईपीओ यानी कि इरिथ्रोपोएटिन जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। नेचुरली अगर ईपीओ कम होगा तो हमारा जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होगा और एनीमिया का कंडीशन डेवलप होगा। इसीलिए सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ वॉमिट इन ए पेशेंट विद पाइलोरिक स्टीनोसिस। पाइलोरिक स्टीनोसिस वाले डिजीज कंडीशन के अंदर जो वॉमिट होती है उसका अपीयरेंस क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रीन एंड बिलियस, ऑप्शन बी डार्क ब्राउन एंड फाउल स्मेलिंग, ऑप्शन सी नॉन बिलियस एंड प्रोजेक्टाइल, ऑप्शन डी येलो एंड वाटरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नॉन बिलियस एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हमें पाइलोरिक स्टीनोसिस वाले देखने को मिलती है। द वॉमिट इन पाइलोरिक स्टीनोसिस इज टिपिकली नॉन बिलियस एंड मे बी प्रोजेक्टाइल ड्यू टू द फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्टमक एज इट अटेम्प्ट टू एक्सपेल इट्स कंटेंट थ्रू द नैरोड पाइलोरस। अगर हम बात करते हैं पाइलोरिक स्टीनोसिस की, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यानी कि इसका फोर्सफुल एक्सपांशन होता है। इसी के साथ ही जो वॉमिटिंग कंटेंट होता है हमारा वो बिलियस नहीं होता है, वो नॉन बिलियस कंटेंट होता है। तो यह पाइलोरिक स्टीनोसिस वाली वॉमिटिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड केसेस ऑफ स्विमर्स ईयर। स्विमर्स ईयर का जो माइल्ड केसेस होता है वहां पर हमारा फर्स्ट लाइन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन ए ऑरल एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ईयर ड्रॉप्स, ऑप्शन सी सर्जिकल इंटरवेंशन, ऑप्शन डी एंटी हिस्टामिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि हमें यहाँ पर माइल्ड केस दिया है तो माइल्ड केस के अंदर हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ईयर ड्रॉप्स को यूज में लेना है। ओरल एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर रोल नहीं है और माइल्ड में सर्जिकल इंटरवेंशन और एंटी हिस्टामिन का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। माइल्ड केसेस ऑफ स्विमर्स ईयर आर टिपिकली ट्रीटेड विद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ईयर ड्रॉप, जो कि हमने देखा ये एक्सप्लेनेशन में कि माइल्ड केसेस को ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप को यूज में लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा विच डायरेक्टली टारगेट द इन्फेक्शन इन द ईयर कैनाल, ईयर कैनाल के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको डायरेक्टली टारगेट करता है। अब हमें सबसे फर्स्ट तो यह पता होना चाहिए कि स्विमर्स ईयर कंडीशन क्या होती है। स्विमर्स ईयर यानी कि ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसके अंदर क्या होता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है आउटर ईयर कैनाल के अंदर, वो हमारा स्विमर्स ईयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए रिकमेंडेड टाइम कितना रहता है? ऑप्शन ए 40 to 60 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 3 to 5 मिनट, ऑप्शन डी 2 मिनट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 3 to 5 मिनट। अगर हम हैंड वॉशिंग की बात करते हैं तो दो तरह की हमने देखी है, एक होती है मेडिकल दूसरी है सर्जिकल। मेडिकल हैंड वॉशिंग के टाइम की बात करते हैं तो वहां पर हमें 40 to 60 सेकेंड देखने को मिलता है और सर्जिकल हैंड वॉशिंग हमारा 3 to 5 मिनट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एडल्ट हुज बोथ एंटायर लोअर लिम्स आर बर्नड अलोंग विद जेनिटालियास हैज परसेंटेज बर्न। एक एडल्ट है जिनकी की बोथ एंटायर लोअर लिम्स जो है वो बर्न हो गई है, इसी के साथ ही जेनिटालिया वाला पोर्शन जो है वो भी बर्न हो गया है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो बर्न एरिया है वो कितना परसेंट रहेगा यह आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 19%, ऑप्शन सी 36%, ऑप्शन डी 37%। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 37%। चलिए अब हम इस केस से किया वो भी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया था एंटायर बोथ लोअर लिम्स, हमारी लेफ्ट और राइट दोनों 18-18% की होती है, बोथ यानी कि 36 हो गया, इसी के साथ ही जेनिटालिया हमें दिया गया था तो वो 1% था, तो अब हम देखेंगे इसे प्लस करके तो हो जाएगा हमारा 37%, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी 37% राइट आंसर था। चलिए अब हम साथ में यह भी देख लेते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट का कितना बॉडी सरफेस एरिया रहता है। एडल्ट और चाइल्ड दोनों का अलग अलग रहता है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एडल्ट की बात कर रहे हैं। एंटायर हेड एंड नेक जो होता है उसके अंदर 9% रहता है। अब साथ साथ में इमेज में भी देखते जाइए, एंटायर राइट आर्म देखेंगे हम 9% रहती है, एंटायर लेफ्ट आर्म 9% हो गया, एंटायर ट्रंक 36% हो गया, फ्रंट जो है 18% और बैक जो है वो भी 18% है। ग्रोइन एरिया 1% होता है, 1% ग्रोइन एरिया है। राइट लेग एंटायर राइट लेग हो गया हमारा 18% और एंटायर लेफ्ट लेग हो गया 18%। अगर बोथ आ जाए, बोथ एंटायर लेग आ जाए तो 36% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ। टीएनएम क्लासिफिकेशन जो है उसका यूज हम कौन से क्लिनिकल स्टेजिंग करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए पैन, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी ओबेसिटी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कैंसर।
चलिए अब हम बढ़ते हैं रेशनल की तरफ। द टीएनएम क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम यूज्ड टू स्टेज कैंसर, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। स्टेज के लिए हम टीएनएम क्लासिफिकेशन जो होता है उसे यूज में लेते हैं। टीएनएम सिस्टम का मतलब होता है, यहाँ पर टी का मतलब है ट्यूमर, एन में स्नोड यानी कि लिम्फ नोड, और एम का मतलब है मेटास्टेसिस। इन तीनों ही कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग स्टेजिंग ऑफ कैंसर की जाती है।